सबसे पहले हम बात करेंगे इरोडा लिमिटेड के बारे में। अगर हम कल के दिन की बात करें तो लगभग पौने 2% की गिरावट, बाकी पिछले 5 दिनों की बात करें तो लगभग 6.6% की तेजी, और अगर हम पिछले 6 मंथ की बात करें या फिर मैक्सिमम परफॉर्मेंस की बात करें तो जब से इसकी लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग भी बहुत कमाल की थी, लिस्ट होने के बाद भी स्टॉक ने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दिखाया, और स्टॉक अभी नियर बाय अपना ब्रेकआउट के करीब है। कभी भी इस लेवल को ब्रेकआउट देखे, 200 को ब्रेकआउट देखे, स्टॉक आपको रॉकेट की तरह उड़ते हुए भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस मॉडल बहुत कमाल के है। क्योंकि इरेडा जो कंपनी है वो एक NBFC कंपनी है, और खास करके मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करता है, और कहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड करता है तो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा जो भी कंपनी काम करता है उसको फाइनेंस प्रोवाइड करने का ये काम करता है। और आपको पता है ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, इस सेक्टर में किस प्रकार का डिमांड है, और डिमांड सिर्फ यहाँ तक नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं, आने वाले 5-10 साल इन कंपनी के डिमांड आपको और भी रॉकेट की तरह इंक्रीज होते आपको देखने को मिल सकता है, जिनमें हर एक कंपनी जिनमें ये फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली इरेडा कंपनी, ये भी आपको कमाल के परफॉर्मेंस देते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। और अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए, अपने बिजनेस को और भी एक्सपांड करने के लिए, आपने देखा होगा 2 दिन पहले कंपनी ने और एक बार फंड रेज के लिए अप्लाई किया, मतलब फंड रेज करने जा रहे हैं FPO के जरिए, फॉलो पब्लिक ऑफर के जरिए, और इसी साल FY25 में फर्स्ट हफ्ते तक आपको ये इसके जरिए आपको फंड रेज करते आपको देखने को मिल जाएगा। उसके पीछे का रीजन है कि डिमांड बहुत कमाल के आ रहा है इस रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोजेक्ट से, लोन के डिमांड, तो भाई जितनी ज्यादा अगर आप लोन दोगे उतनी ज्यादा लोन के साथ आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जितनी ज्यादा आपका इंटरेस्ट मिलेगा तो जितने ज्यादा लोन दोगे उतने ज्यादा इंटरेस्ट आएंगे, जितने ज्यादा इंटरेस्ट आएंगे उतना ज्यादा आपका इनकम ग्रो होगा, अर्निंग ग्रो होगा, तो ऑटोमेटिक उसके इम्पैक्ट आपको स्टॉक प्राइस में देखने को मिल जाएगा। और ये जो सेक्टर है, जैसे मैंने कहा ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ये जस्ट अभी स्टार्ट हुआ, आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल इस सेक्टर के लिए बहुत ही कमाल के रहने वाले। जो कि कुछ डेटा भी आपको दिखा दूं, अभी 2023 के हिसाब से देखोगे ये जो रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट है वो सिर्फ 22 बिलियन का है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कुछ एक्सपर्ट के जरिए कि इसकी जो ग्रोथ है वो आने वाले टाइम में आपको लगभग 8 से लेकर 9% CAGR से ग्रो हो सकता है इसी साल 2024 से लेकर 2032 तक, आने वाले 7-8-9 साल तक। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री अगर 8-9% से ग्रो होता है तो उसे एक बहुत बड़ा ग्रोथ रेट माना जाता है, यानी कि अगर सेक्टर इंडस्ट्री अगर 8-9% से ग्रो होगा तो जो इंडिविजुअल सिंगल कंपनी है वो एटलीस्ट 15-20% की ग्रोथ तो आपको इजीली दिखा सकता है। तो जिनमें डेफिनेटली अभी तक कंपनी ने अच्छे किया, बट अभी तक ये तो 200% कुछ भी नहीं है, लंबी अवधि में लॉन्ग टाइम इससे पहले भी बोल चुका हूँ, ये 200 के स्टॉक आपको एक टाइम बाद 400, 1000, मतलब 800, 1600, आपको 2000 तक भी आपको जाते देखने को मिल सकता है, मतलब यहाँ से भी कंपनी 10 गुना बनते हुए आपको देखने को मिल सकता है। मैं लॉन्ग टाइम सबसे बात करूँ, जिनको ऐसा लगता है कि इन बिजनेस के ऊपर दम है, इस सेक्टर के ऊपर ग्रोथ है, और इसमें ये कंपनी कमाल के फाइनेंस प्रोवाइड कर देंगे, कमाल के लोन के जरिए बहुत ही कमाल की ग्रोथ दिखाएंगे, अगर आपको ऐसा लगता है, सरकारी कंपनी जरूर है, रिस्की कंपनी जरूर है, बट ग्रोथ कमाल की, तो आप जरूर चाहते इसमें बने रह सकते हो। हाँ, फिलहाल किसको एंट्री लेने हैं तो बॉटम लेवल पे कहा था भाई बाय किया नहीं, तो अभी रुक जाओ, क्यों, क्योंकि आज भी डाउन है 10-12%, बट फिलहाल रुक जाओ क्योंकि 4 जून को इलेक्शन का नंबर आएगा, मतलब रिजल्ट आएगा, और ऊपर से सरकारी कंपनी है तो थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच हुआ तो उसके इम्पैक्ट आपको स्टॉक प्राइस में भी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए रुक जाओ इलेक्शन तक, रुक जाओ 4 जून तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 जून को रिजल्ट देख लो, उसके बाद आप अपने डिसीजन आप ले सकते हो। बाकी जिसके पास है, जितने लंबी अवधि होल्ड करोगे, लंबी अवधि में ये कंपनी डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा करते आपको देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक की बात करें और एक दमदार कंपनी वरुण बेवरेज लिमिटेड, बहुत ही कमाल की कंपनी, बहुत ही कंसिस्टेंसी चलने वाली स्टॉक है, लेकिन फिलहाल के हिसाब से बात तो पिछले 2 से 2.5 मंथ से एक कंसोलिडेशन फेज में है, जो कि अच्छी भी बात है, क्योंकि ऐसा हमेशा कोई स्टॉक एक तरफ भागेगा वो एक रिस्की पैटर्न बन जाता है, तो जब स्टॉक में गिरावट होगा तो गिरावट भी रिस्की पैटर्न में होगा, स्टॉक अगर इसी प्रकार से कंसोलिडेशन करता है उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो वो तेजी टिकता भी है और वो तेजी टिकता भी है। और जैसे मैंने कहा ये कंसोलिडेशन ऐसे नहीं कोई फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी था, ये तो अभी 2.5 मंथ थे, इससे पहले 5-6 मंथ स्टॉक इसी कंसोलिडेशन में था, 1000 को ब्रेक कर ही नहीं पा रहा था, जैसे ब्रेक किया सीधा 500 पॉइंट की तेजी, और ये मत सोचना कि भाई ब्रेक करने के बाद सिर्फ 500 पॉइंट, अरे ये 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि ब्रेक कर दिया और 1500 के स्टॉक सीधा 4500, 200% के 150% के प्रॉफिट, तो ऐसा नहीं है, ये बड़े साइज की कंपनी जिसमें आपका जो कैपिटल है बहुत ही लो रिस्क वाले, बहुत ही कम वॉलेटाइल वाले स्टॉक है, तो उसमें अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी साल में अगर आपको 40-50% की भी प्रॉफिट मिल जाए ना तो भी इसमें बहुत है, क्योंकि ये बहुत ही कंसिस्टेंसी रिटर्न देने वाली स्टॉक है। सो वरुण बेवरेज लिमिटेड की बात, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, इसमें अगर आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को देखोगे, म्यूचुअल फंड नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड तो लगातार ग्रो हो रहा है, देख सकते हो 136 से 146, 148 और अभी इस मंथ में 154 के,
यानी कि लगातार नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड लगातार तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स के साथ देखोगे तो 6 मंथ में से 3 मंथ लगातार बाय किया, 2 मंथ अच्छे खासे सेलिंग, और इस मंथ में अगेन म्यूचुअल फंड ने अच्छे खासे बाइंग किया। तो म्यूचुअल फंड के भी और एफएस के भी इस कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखोगे तो बहुत ही कमाल के शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्योंकि प्रमोटर के पास 63% का स्टेक है, बाकी एफएस तो बहुत बुलिश है, तभी तो स्टॉक इतना रॉकेट बनता है। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से उन्होंने थोड़ा बहुत स्टेक बेचा, ठीक है, ऐसे नहीं कोई फर्स्ट टाइम बेचा, इससे पहले भी इसने बेचा था, और इन दोनों के बीच में ये चीजें चलते रहते हैं, कभी ना कभी वो भी तो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बाकी डीएस की बात करें तो 404% स्टेक इनके पास है, पब्लिक धीरे धीरे अभी वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लगभग 707% के। तो अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो ये भी कमाल की है, बहुत ही शानदार कंपनी, और खास करके इसके जो बिजनेस मॉडल है बेवरेज वाली ये कंपनी, और इसके जो प्रोडक्ट है वो मुझे अलग से बताने की जरूरत है नहीं, चाहे अगर हम पेप्सिको की बात करें, चाहे अगर हम माउंटेन ड्यू की बात करें, स्टिंग की बात करें, और भी ढेरों सारे आपको बहुत अच्छे अच्छे आपको इनके प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, जिनके डिमांड सबसे ज्यादा इस समर सीजन में चलते हैं। और आपको बताएं ये समर के टाइम है, इस टाइम पे कितने ज्यादा हमें गर्मी देखने को मिले, जिसके चलते ये कुछ एक्सपर्ट का भी मानना है कि इस टाइम पे जिस प्रकार की गर्मी हो रहा है उसके चलते मतलब हर एक कंपनियां जो खास करके चाहे बेवरेज वाली कंपनी हो, चाहे आइसक्रीम वाली कंपनी हो, चाहे कूलर एसी वाली कंपनी हो, वो भी आपको इस एक दो क्वार्टर इस समर के टाइम में आपको बहुत ही कमाल की कमाई करते आपको देखने को मिल जाएगा। और वरुण बेवरेज वैसे भी आपको पता है कि जो इनके Q4 और खास करके जो Q1 के नंबर रहता है उसमें तो कंपनी सबसे ज्यादा इनकम करते हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट, तो इतना तो कंफर्म है कि कंपनी के Q4 के नंबर बहुत कमाल के आएंगे। बट जिस प्रकार से गर्मी हो रहा है उससे ज्यादा शायद से कंपनी के Q4 के नंबर उम्मीद से भी बढ़ रहा है, और अगर ऐसा हो तो आपको बताया कि स्टॉक तो ऑलरेडी रॉकेट मतलब एक ब्रेकआउट के लिए रेडी कर रहे हैं, तो इजिली इसमें ब्रेकआउट आ सकता है। और अच्छी बात है कि भाई जो Q1 में कंपनी सबसे ज्यादा इनकम करते हैं तो उसके साथ मैनेजमेंट रेबाउट के तौर पे अच्छे नंबर के साथ साथ वो बोनस मैक्सिमम टाइम बोनस भी हमें देते देखने को मिल जाता है। और इनके रिकॉर्ड देखा जाए तो 2019 से इन्होंने अपना कॉर्पोरेशन देना शुरू किया, 2019 में दिया था बोनस, 2020 में कोविड के चलते दे नहीं पाए, पर अगेन 2021 में दिया था, 2022 में दिया था, 2023 में 1:2 का स्प्लिट दिया था। मतलब पिछले 4 साल से कंसिस्टेंसी सिर्फ कोविड को छोड़ के 2020 को छोड़ के हर साल Q1 के साथ कंपनी ने हर बार बोनस या फिर स्प्लिट दिया, तो माइट बी स्टॉक भी उसी रेंज में 1500-1600 के करीब, तो फिर क्या पता फिर से कंपनी एक के बदले एक बोनस या फिर एक के बदले दो या फिर दो के बदले एक बोनस भी इस प्रकार का भी कॉर्पोरेट एक्शन दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक कंपनी के टैग रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए तो। बाकी रिटर्न के मामले में बात करें तो रिटर्न तो बहुत कमाल के बना के दिया, हमारा मेन फोकस कैपिटल गेन होना चाहिए, जो कि पिछले 6 सालों में 7 सालों में तो इसने भरपूर बना के दिया, और अभी तक इतना पोटेंशियल है जिस प्रकार से एक्सपेंड करते जा रहा है अपने बिजनेस में अलग अलग सेक्टर में, तो है तो लार्ज कैप बट आगे भी हमें एक मिड कैप जैसा प्रॉफिट बना के दे सकता है, और आगे भी आने वाले 5 मतलब आगे भी आप इस कंपनी से और भी बोनस जैसी चीजें मतलब एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हो। तो कंपनी तो दमदार है, बिंदास बने रहो, किसी को एंट्री लेना है तो एकदम टॉप पे, या तो इसको ब्रेकआउट दे दे तब चाहो तो एंट्री ले सकते हो, या फिर स्टॉक कभी अगर आपको 10-12% की भी गिरावट दे दे कभी भी तब भी चाहो तब इसमें इसके बारे में फिर से एंट्री लेने के बारे में कंसिडर कर सकते हो। कंपनी सॉलिड है, जितना बने रहोगे उतने आपको प्रॉफिट कंसिस्टेंसी तरह से ग्रो करते आपको देखने को मिल सकता है। देन अगला स्टॉक की बात करें और एक दमदार कंपनी पॉलीकैब लिमिटेड। सो पॉलीकैब की बात करें तो ये तो और भी कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे अपना एक ऑल टाइम हाई अचीव करते जा रहे हैं, चाहे साल भर में देखोगे 95% की तेजी, चाहे मैक्सिमम या फिर 5 साल में देखोगे तो 1000-1000% की प्रॉफिट, तो इसने भी कमाल की परफॉर्मेंस बना के दिया। और ऐसा कभी होगा ही नहीं कि कितनी भी अच्छी स्टॉक क्यों ना हो वो कभी आपको मौका देगा ही नहीं, आगे भी मौका दिया था 20-20% की गिरावट, 40-40% की गिरावट, यहाँ पे गिरावट और आगे भी देने वाला है। तो ये स्टॉक मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ दोस्तों, उसके पीछे का 2 मेन रीजन, एक तो जिनके दिमाग में लग रहा है भाई एक टाइम पे ये 600 के स्टॉक थे अब 6-7 हज़ार पे है, तो क्या ये आगे बोनस स्प्लिट नहीं दे सकता, क्योंकि वरुण बेवरेज ने तो 1600-1700 के करीब जाता है स्टॉक तो मैनेजमेंट बोनस या स्प्लिट दे देता है, तो देखो ये मैनेजमेंट के हाथ में होता है, लेकिन जिस प्रकार के इसके बैलेंस शीट है तो बोनस के लिए पूरी तरह से रेडी है, और फेस वैल्यू 10 के है तो स्प्लिट देने के लिए प्योर रेडी है, और स्टॉक प्राइस भी बहुत कॉस्टली है, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट आगे जाके या मान लो ये स्टॉक ऐसे कंटिन्यू रहा यानी कि अभी 6000-7000 पे है, 8000-9000 के करीब चला जाता है, तो क्या पता जो Q1 के नंबर आएंगे तो Q1 प्लस स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट कंपनी कर सकते ताकि स्टॉक के प्राइस थोड़ा सस्ता हो जाए, ताकि और भी जो रिटेल इन्वेस्टर है और भी इसमें अच्छे खासे पार्टिसिपेंट कर पाए, तो ये भी ऐसी चीजें भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट यहाँ पे क्या मैनेजमेंट देंगे
या फिर नहीं देंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो कॉर्पोरेट एक्शन के लिए कंपनी पूरी तरह से ये रेडी है। तो कभी भी इस प्रकार के अनाउंसमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है कि पॉलीकैप स्प्लिट देने जा रहे हैं, पॉलीकैप बोनस देने जा रहे हैं। तो कंपनी सॉलिड है, बहुत ही दमदार कंपनी है। तो ये उनके लिए था जो लोग सोच रहे थे कि भाई स्टॉक इतने कॉस्टली हो गया, क्या अगर एक बार कॉर्पोरेट एक्शन दे दे तो स्टॉक प्राइस फिर से सस्ते प्राइस में आ सकता है और फिर से जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर है वो फिर से स्टॉक में सस्ते प्राइस में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनके चलते इसमें इन्फ्लो आएगा और स्टॉक में फिर से एक फॉर्दर रैली आ सकता है। ये तो उनके लिए था। और उनके लिए जो अभी बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो ब्लाइंडली बाय मत करो दोस्तों। मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा ये कि स्टॉक एकदम टॉप पे है, थोड़े से वेट करो, मार्केट भी टॉप पे। अगर कभी भी मार्केट में थोड़ा बहुत भी नेगेटिव न्यूज आए और मार्केट अगर कभी गिरा तो ये स्टॉक आपको इजीली 10-12-15% अगर आपको गिरावट दिखाता है तब चाहो तो आप एक स्टॉक में लगाने के बारे में कंसिडर कर सकते हो। और बाजार हमेशा आपको मौका देगा, ऐसा कभी होगा नहीं कि पॉलीकैप कभी जिंदगी में गिरेगा नहीं, हमेशा गिरता है और रीजन बन जाता है और आगे भी कभी ना कभी रीजन बनेगा और आगे भी कभी ना कभी स्टॉक इस प्रकार के आपको गिरावट दिखेगा, तब चाहो तो उसके बारे में आप सेल्स एंट्री लेने के बारे में कंसिडर कर सकते हो। बाकी तो कंपनी दमदार है, आज कितने पे 6,000 पे, कुछ टाइम बाद देखोगे 10,000-12-15,000 भी आपको जाते हुए फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। देन आखिरी स्टॉक की बात करें तो पीजी इलेक्ट्रॉनिक प्लस लिमिटेड की बात करें, अगर हम फ्राइडे के दिन की बात करें तो लगभग 4% की, एक साल में 73%, 5 साल की बात करें तो 3,000-3,500% की प्रॉफिट, और स्टॉक एकदम टॉप पे। और स्टॉक ने इतने कमाल की रैली देखी, उसके पीछे का और एक कमाल की रीजन है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने 1:10 का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। तो भाई जिसके पास भी उनके लिए अच्छी बात है, जिनके पास है नहीं तो स्प्लिट के चलते इन स्टॉक में जाने की जरूरत है नहीं, अच्छे कंपनी में बने रहो, तो इस प्रकार के बोनस स्प्लिट आपको उन अच्छे स्टॉक में भी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है।